सही है। तो जिसमें चूजे पलते हैं वो रेड रूडर्स कहलाते हैं, ब्रूडर्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मौजूद हैं इस वक्त साले मोहम्मद बोट मलीर में और ये मेरे पीछे जो है एक मुर्गियों का फार्म है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की मुर्गियाँ हैं, देसी और चकोर बटेर वगैरह की जो है यहाँ पे फार्मिंग की जाती है और एक छोटा सेटअप है लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुआ है। तो आइए हम जो है वो अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा शेड है, इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मुर्गियाँ हैं जिसमें गोल्डन मुर्गियाँ हैं, देसी मुर्गियों के चूज़े हैं, चकोर यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी तादाद में है और जो चीनी मुर्गी है वो अच्छी खासी तादाद में है। यहाँ ये चूज़े लेते हैं, इनको कुछ अर्सा जो है रखते हैं, बड़ा करते हैं, उसके बाद जो है वो इनको सेल आउट करते हैं। बलूची में गनी पोल, अच्छा चाइना मुर्गी, ये चाइना मुर्गी के बच्चे हैं, यानी चीनी मुर्गी भी कहते हैं इसको। अच्छा अभी इसका एक महीने का हो गया, एक महीने का हो गया और ये बिकता कितने का, बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया तो इसका रेट कोई 2000 में ही इसके। अच्छा तो कितने महीने बाद में बड़ा होता है ये? तैयार होता है तो 2.5 महीने में तैयार हो जाता है। 2.5 महीने। ये छोटे साइज के हैं, ये तकरीबन ये 12 दिन का चूजा है और ये 50 रुपए का मिला था। 50 रुपए मिलता है अभी, इसको 60 रुपए का पहुंच गया। अच्छा ये 50 रुपए का चूजा मिला है और ये तकरीबन 12 दिन का है इस वक्त। ये चीनी मुर्गी कितनी होगी यहाँ पे मौजूद? 2000 मुर्गियाँ मौजूद हैं। अच्छा ये सारी चीनी मुर्गियाँ हैं। अच्छा ये मिक्स हैं सारे, ये चाइना मुर्गी, ये गोल्डन है, ये गोल्डन है, ये मुर्गी है वो जो, हाँ वो हैं चाइना मुर्गी और देसी सारे मिक्स हैं। ज़बरदस्त गोल्डन मुर्गा। ये जो है मिस्री मुर्गी है, वैसे देसी लग रही थी मुझे लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो गोल्डन मुर्गी अभी हमने देखी थी, बड़ी मुर्गियाँ जो थी गोल्डन कलर की, जब ये पूरी बड़ी हो जाती है तो ये कितने, ये भी अभी ये 12-15 दिन के ही हैं? ये भी 12 दिन के, ये दोनों साथ आए थे। अच्छा ये भी तकरीबन 50 रुपये का मिलते हैं। अच्छा और ये बड़े होने में तकरीबन इनको कितना महीने लग जाता है? और फिर ये कितने की बिकती हैं? वो तो फिर 800 रुपये की बेचती है जो एक दाना। अच्छा सही सही। और ये आगे भी सर चाइनीज वाले? ये भी चाइनीज है, ये भी चाइनीज है, ये भी इसका बड़ा है वो है। अंडा है कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट में, इसका साइज आप देख सकते हैं। 600 बटेर हैं यहाँ पे। ये पूरा फुल हो चुका है ना इस वक्त? हाँ ये अंडे पे आ गई, अंडे दे दी। अच्छा ये अंडे देने वाले बटेर हैं, तो आप लोग यहाँ बटेर की ब्रीडिंग करवाते हो? हाँ। और ये कितने का मिलता है बटेर एक? ये 200 रुपये का एक दाना मिलता है। ये 200 का एक दाना मिलता है? पूरा चूजा तो नहीं लेते, बड़ा ही लेते हो? ये बड़ा लेते हैं हम। ये बड़ा लेते हैं फिर लेते हैं, ये अभी 2 महीने का है। ये 2 महीने का है, 2 महीने में अंडे देना शुरू कर देता है। अंडा देना शुरू कर, फिर जब ये उसके बाद इसको क्या करते हो, अंडे जब ये देना बंद कर देते हैं? अंडा जब बंद कर देता फिर हम बेच देते हैं। अच्छा होटल वालों को? और अंडे को क्या करते हो? अंडे को मशीन में लगवाते हैं, उनका चूजा निकलवाते हैं। मशीन का सेटअप कहीं और है? कहीं और है, सही है।
ये चकोर का दाना 150 रुपए का पड़ता है, 150 रुपए पड़ता है। ये सऊदिया से आता है, सऊदिया से आता है जी। और कितने महीने यहाँ रखते हैं? यहाँ तकरीबन इसको रखेंगे 3 महीना, 3 महीने इसको यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद ये अंडे में आ जाते हैं। सर कितने चकोर होंगे यहाँ पे? ये चकोर है तकरीबन ये हमारे पास 150, 150 है। और ये कितने महीने का है? ये तकरीबन इनका हो गया 1 महीना, हो गया 1 महीना हो गया है ठीक। और ये वही चकोर है? सही है। देसी मुर्गी हैं सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करते हैं एक नए व्लॉग में।